उत्तराखंड प्रदेश भर्ती घोटाले का मामला। एसटीएफ ने अभी तक 13 आरोपियों को पकड़ा। नकल करने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई, डीजीपी ने बोला। दिल्ली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मिर्जापुर, दो दारोगाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। अपर सत्र न्यायाधीश वायुनंदन मिश्रा का फैसला। दुष्कर्म मामले में साक्ष्य के लिए नहीं हो रहे थे हाजिर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए। कुल मामले मिलाकर हो गए 4,40,67,144। सक्रिय मामले 1,37,057। कुल रिकवरी 4,34,03,610। कुल मृत्यु 5,26,477 हो गए। झांसी में 8 से अधिक कारोबारियों के घर इनकम टैक्स की रेड। सपा नेता श्याम सुंदर सिंह परीक्षा, बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश बघेल, विजय सारावगी सहित कई कारोबारियों के यहाँ आईटी की रेड जारी। गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील अंतर्गत द महावीर सिंटेक्स मिल में कार्य करने वाले मजदूरों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के मैनेजर हरिकेश चौधरी द्वारा हम सभी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा आए दिन निर्धारित मानक के अनुसार कार्य करने नहीं दिया जाता, बल्कि 2 से 4 घंटे कार्य कराने के बाद भगा दिया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से। जमानिया तहसील क्षेत्र के स्थानीय पत्रकारों पर लगा जून के महीने में एक हॉस्पिटल से वसूली का आरोप। जांच रिपोर्ट जमानिया क्षेत्र अधिकारी ने बेबुनियाद बताया। आप सोच रहे होंगे कि आरोप लगाने वाला आखिर व्यक्ति कौन था, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। वह व्यक्ति थे एक हिंदी दैनिक के उप संपादक बजरंगवली तिवारी। हम आपको बता दें कि जून के महीने में बजरंगवली तिवारी ने स्थानीय पत्रकारों पर लिखित शिकायत पत्र जमानिया क्षेत्र अधिकारी को देकर आरोप लगाया था कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर स्थानीय पत्रकारों के द्वारा क्षेत्र के हॉस्पिटल संचालकों से जमकर वसूली हो रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी जमानिया ने प्रकरण का जांच करते हुए स्थानीय पत्रकारों पर लगे आरोप को जारी पत्र के माध्यम से बेबुनियाद बताया। आप सोच रहे होंगे कि मामला शांत हो गया होगा, जी नहीं, अभी मामला शांत नहीं हुआ। जिन जमानिया स्थानीय पत्रकारों पर आरोप लगे थे वह पहुंच गए जनपद न्यायालय गाजीपुर। झूठा आरोप लगाकर स्थानीय पत्रकारों की छवि बदनाम करने वाले के खिलाफ मान प्रतिष्ठा की हानि होने पर स्थानीय पत्रकारों ने जनपद न्यायालय गाजीपुर में कर दिया मानहानि का मुकदमा शिकायत पत्र दायर। देखिए ये रिपोर्ट। मैं हैदर अली और सकुन टैन के जो यूपी हेड थे कभी, जो कि बिना इल्जाम लगाए हुए सकुन टैन के संपादक द्वारा मुझे निष्कासित कर दिया गया, बल्कि ये कहकर कि आप सकुन टैन के कहीं नाम लिए, हालांकि कोई दोषी में तो साबित नहीं हुए। और मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था धन उगाही का, जो कि सकुन टैन के उप संपादक बजरंगवली तिवारी के माध्यम से उनके द्वारा लगाया गया था। और इसकी जो है जांच प्रक्रिया जमानिया सीओ क्षेत्र अधिकारी के द्वारा चलाई जा रही थी। जमानिया क्षेत्र अधिकारी ने हम सभी लोगों को जो है बुलाए, अपने पास बुला करके अपना बयान लिया हम लोग का, और बयान के जो है तो इस कार्रवाई के जो है हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और क्षेत्र अधिकारी जमानिया का जो कि निष्पक्ष जांच की है और जांच में जो है हमको निर्दोष साबित किए हैं। तो मैं चाहता हूँ आज जिस प्रकार मैं बदला हूँ, मेरे नाम पे जो है भूमिल किया गया है, मेरे छवि को बिगाड़ा गया है, उसी प्रकार जो है किसी अन्य पत्रकार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ न ऐसा हो। हमारे नाम पर जो है अनेक पत्रिका में जो है खबरें चलाई गई, अनेक पोर्टलों में खबरें चलाया कर हमें बदनाम किया गया है, जो कि बजरंग बली तिवारी के नाम का जो है पत्रकार है, जो कि सकुन टैन के उप संपादक है। ये सब होने के बावजूद भी उनको अभी तक कोई संपादक सकुन टैन के द्वारा कोई अवगत नहीं कराया गया। हमने उनसे पूछा कि इसके बारे विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी हम बताएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार जो हमारे साथ हो वैसा कभी और किसी अन्य प्रकार के पत्रकारों के साथ ना हो। और अभी न्यायालय में मामला जो है चल रहा है, जो भी न्यायालय का जो फैसला जो भी होगा मैं उससे सहमत हूँ। ये पत्रकार हैदर अली जो ग्राम मुखिया था तहसीलदार नगर जिला गाजीपुर के रहने वाले, उनका यह कहना है कि मानते थे और उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया जो बजरंगवली तिवारी द्वारा, जो
भी सदर मीडिया से पत्रकार हैं। बजरंग बली तिवारी का यह कहना था कि नहीं ये हॉस्पिटल में जाकर दयाराम के लिए पति डॉक्टर हैं तो उनके लिए अगर परीक्षा को बजरंग बली तिवारी ने एक पत्र जो है कि सीओ साहब को दिया था। सीओ साहब ने उसकी जांच किया और जांच के दौरान ये पत्र आरजीआरएस के माध्यम से दिया गया था। जांच के दौरान पति डॉक्टर दयाराम बिंद को उनको तलब किया और उनका बयान अंकित किया और दयाराम बिंद ने यह बताया कि नहीं साहब जो हैदर अली ने कोई गलत तरीके से हमसे अवैध वसूली नहीं की, यही पत्रकार और इस तरह की कोई बात समझा नहीं। इसके बाद जो सीओ साहब थे उन्होंने जो है कि उस प्रार्थना पत्र का निर्धारण किया और सीओ साहब ने यह बताया कि नहीं हैदर अली पर कोई दोष साबित नहीं होता है। और यहाँ तक कि नहीं इसमें जो है कि इनके साथ जो बजरंग बली तिवारी जो पत्रकार हैं इन्होंने जांच के दौरान ही जिस समय जांच चल रही थी उसके दौरान ही अनेक चैनल को जो है कि न्यूज़ प्रसारित किए और तेजस ब्यूरो और संवेदना न्यूज में भी गलत तरीका से न्यूज़ का प्रकाशन कराया जिससे जो है कि प्रार्थी इसकी काफ़ी क्षति हुई और समाज में इनकी छवि काफ़ी धुली हुई है। ये भी पत्रकार हैं और यह आरोप और प्रार्थना पत्र का निस्तारण बखूबी जो है कि सीओ जमनिया द्वारा किया गया है और इसके संबंध में प्रार्थी काफ़ी छुप था। हर तरीके से इनके मान सम्मान को समाज में ठेस पहुंचा है क्योंकि पत्रकार समाज से ही जुड़ा जो है समाज का एक अभिन्न अंग, इसलिए प्रार्थी बहुत छुप होकर के और मान हानि का दावा जो है कि प्रार्थना पत्र 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है एसीजीएम को जनपद गाजीपुर में। और कुछ जो पत्रकार इनके साथ इनके सहयोगी हैं जिनके द्वारा जो है कि उनका नाम जो है कि इस प्रकार है, उनके सहयोगियों का नाम जो है कि संदीप गुप्ता और विकास शर्मा बताया जाता है और इनके संगठन के जो हैं बजरंग बली तिवारी हैं इनके संगठन के कुछ अन्य अज्ञात लोग भी इस मामले में शामिल हैं जो साजिश के तहत जो है को समाज में बदनाम किए हैं, इनकी छवि को धूमिल किया है। प्रार्थी काफ़ी शुद्ध है, सक्षम न्यायालय में 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आगे की जो भी कार्रवाई न्यायालय की होती उससे आपको अवगत कराया जाएगा। खबर गाजीपुर जनपद से है जहां एक दर्दनाक हादसे में 2 की मौत जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। जी हां, गाजीपुर में मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस बेकाबू होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में मरीज समेत 2 की मौत हो गई जबकि एम्बुलेंस में बैठे मरीज के 4 परिजन घायल हो गए हैं। हादसा नंदगंज थाना क्षेत्र के देवकली पुल पर हुआ। जी हां, बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस मरीज को लेकर बक्सर से वाराणसी जा रही थी कि इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर जिले के रहने वाले लवकुश को इलाज के लिए परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए बक्सर से वाराणसी ले जा रहे थे। गाजीपुर के नंदगंज इलाके में देवकली पुल पर एम्बुलेंस बेकाबू होकर रेलिंग से जा टकराई। हादसे में मरीज लवकुश और उसकी सास रमापति की मौत हो गई जबकि 4 परिजन घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। मारुति वैन जो कि एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग की जा रही थी उसको वो जा रही थी बक्सर से वाराणसी की तरफ जो है वो जा रही थी। 8 लोग उसमें सवार थे। एक डिवाइडर को टकराने से 2 जो है वो गाड़ी पलट गई थी। 2 लोगों की मृत्यु उसमें हुई है, 6 लोग उसमें अस्पताल में भर्ती है। ये गाड़ी जो है वो पहले प्रयागराज से बक्सर गई थी पेशेंट को लेके और बक्सर से फिर वो वाराणसी की तरफ गई थी। इसी में ये घटना